सो आज मैं बताने वाला हूँ गेट मोर मनी विथ लेस एफर्ट। यस गाइस, ये मेरा बहुत ही ज्यादा सीक्रेट सीक्रेट एंड वन ऑफ द सीक्रेट मेथड है, जहां से मैं बहुत ज्यादा सेल्स पाता हूँ किसी भी नेटवर्क के साथ, वो चाहे क्लिक बैंक हो, जेवी जू हो या कोई भी हो। ज्यादातर ये जो मेथड है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है इसका वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप इंस्टाग्राम से काफी अच्छा खासा डेली का $100, तो मैं एक बेसिक बोल रहा हूँ, आप $500 या उससे ऊपर भी अर्निंग कर सकते हो। बस डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको अप्लाई कब करते हो, कब एक्शन लेते हो और कब जाके आप सोचते हो कि हाँ अब तो मुझे करना ही है गाइस। बिकॉज बिना आप एफर्ट लगाए, बिना एक्शन लिए, मतलब एक्शन तो लेना ही है, और वो एफर्ट कि आप एक्शन ले सको, उस एफर्ट को लगाना है, तब ही जाके आपको कुछ मिलेगा, वरना वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर आप रियली 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 $100 अर्न करना चाहते हो डेली का, तो ये वीडियो देखो, वरना आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो एज यू नो ऑल, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल ऑनलाइन मनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर सच में आप एफिलिएट मार्केटिंग करके इंस्टाग्राम से $100 और डे अर्न करना चाहते हो, चाहे इससे भी बहुत ज्यादा हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, आप एक्शन टेकर नहीं हो, सो प्लीज लीव दिस वीडियो एंड गो स्लीप इन योर होम, बिकॉज आप अपना टाइम ही बर्बाद करो, इससे ज्यादा सो के बर्बाद करो, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो भी बचे रहे। सो फर्स्ट मैं चलता हूँ इंस्टाग्राम पे, और ये इंस्टाग्राम, यहाँ मैंने बहुत सारे डिफरेंट पेजेस खोल रखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छी कुछ चीज समझाने वाला हूँ। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो 100% यू विल सी द रिजल्ट, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आपको मैं समझाता हूँ, पहले मैंने आपको दिखा दिया है कुछ पेजेस एंड देन आवर बोर्ड। ओके गाइस, नाउ ये हमारा एक फनल है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ दो चीज लगाई है। फर्स्ट आपका ईमेल कैप्चर पेज, ओके, फर्स्ट ईमेल कैप्चर पेज, एंड द सेकेंड जो हमारे तरफ से लगाया गया है, थैंक यू पेज। थैंक यू पेज एंड इसके बीच में आपका प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, ये सेटअप पहले आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सेटअप होना चाहिए आपके पास। सेकेंड चीज ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है, और ये मेरा वन ऑफ द सीक्रेट सीक्रेट एंड फेवरेट तरीका है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये चीज आपके पास होनी चाहिए, देन आपको एक अपना नीश सिलेक्ट करना है, और वो तीन चीजों में से, ठीक है, तीन माय बेस्ट एंड इन एफिलिएट मार्केटिंग, इन ऑनलाइन मार्केटिंग, तीन टॉप के नीचे जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, आई थिंक यू नो द फर्स्ट हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, फर्स्ट HWR, ठीक है, इसमें से एक नीश आपका सिलेक्ट करना है। अगर इसके बाद भी आपका कोई नीश है तो आप उसमें थोड़ा रिसर्च करना, क्योंकि नीश बेटर होना चाहिए, तभी आपको उसका कन्वर्जन जो है वो बेटर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें से एक सिलेक्ट कर लो, यहां मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेल्थ, बिकॉज मेरा जो नीश है वो वेल्थ है। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए, और ये फनल में एक और चीज होना चाहिए आपके पास, चैटबॉट प्लस चैटबॉट, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। दो चीज और होना चाहिए, फर्स्ट आपका होगा चैटबॉट, एंड जो सेकंड होगा वो होगा आपका ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्डर। तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए फर्स्ट एक फनल जिसमें तीन पेजेस होने चाहिए, फर्स्ट आपका ईमेल कैप्चर पेज, एंड सेकंड आपका होना चाहिए प्रोडक्ट, और थर्ड आपका होना चाहिए थैंक यू पेज। एंड जो सेकंड चीज आपका एक नीश होना चाहिए आपका, और थर्ड चीज आपका कि आपके पास एक चैटबॉट और एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको चाहिए कुछ पेजेस ऑन इंस्टाग्राम जो आपके नीश के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिलेक्टेड पेजेस, ओके, सिलेक्टेड पेजेस जिनका रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे आपके पास 5, 6, 7, 10 पेजेस होने चाहिए, मैं आपको 5 पेजेस के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है, 5 पेजेस,
सो आपके पास पांच ऐसे पेजेस होने चाहिए, ओके। एंड इसके रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें लाइक और एंगेजमेंट का रेशियो अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने और वीडियोस में आपको सिखाया है कि क्या कैसे काम करता है इंस्टाग्राम का। तो बहुत सारे इंस्टाग्राम के वीडियोस हैं, अगर आप कहीं और से भूले भटके आ गए हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही डिटेल में वीडियोज मिलती हैं और आप कैसे चीजों को जनरेट कर सकते हो, कैसे क्या चीजें कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पता चलता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक कर दो वीडियो को और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पुराने हो तो ये दो काम प्लीज जरूर करो, ओके। सो ये पांच पेज आपके पास होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांच छह सात पेज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं दिखाता हूँ आपको चल के उन पेजेस पे। सो गाइज, देर इज सम पेज जो बहुत अच्छे फॉलोअर्स रखे हुए हैं, ठीक है। 53 फॉलोइंग एंड 56 पोस्ट एंड 176, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू माई नीश है, ठीक है। और इसका जो इंगेजमेंट है वो 327, मतलब 4000 आई थिंक इसका हाईएस्ट होगा, या आप बोल सकते हो कि इसका अभी हाईएस्ट 4000 भी नहीं है। चलो जो ओवरऑल मैं आपको बोल सकता हूँ, इसका 4000 जो लाइक्स है वो हाईएस्ट है। एंड द सेकेंड वन वेल्थ ऑफ 79K फॉलोअर्स, ओके। एंड इसका भी 3225 के, ओके ओके, इट्स मतलब इट्स वीडियो वीडियो इज वर्किंग गुड, ओके। यहाँ वीडियो इज वर्किंग गुड, मैं आपको रिसर्च करना बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें इसकी काम कर रही हैं और क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ओके। तो सेकंड पेज, फर्स्ट पेज का जो हाईएस्ट है वो 4000 है, इसका लाइक और कमेंट का जो रेशियो है वो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, ओके। तो इसका कमेंट का भी रेशियो 100 के आसपास होगा। एंड यहाँ पर वीडियोज अच्छा काम कर रही हैं रेदर देन आपका फोटोज, ओके। एंड जो थर्ड पेज है बिजनेस मैन बिजनेसम, तो इसका जो है ऑसम, इसकी भी जो वीडियो एंगेजमेंट है बहुत ज़्यादा बेटर है, एंड ऑल्सो फोटो एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बेटर है, और इसका जो फॉलोअर है वो 260K है। अब जो थर्ड है गाइस, बिजनेस माइंड से 101, इट्स अ बिग पेज, एंड इसका भी जो दोनों चीज़ है, वीडियो हो गया चाहे इसका पोस्ट हो गया, बेटर है, ठीक है, 6-7 हज़ार के आसपास। एंड फिफ्थ पेज इज बिजनेस टू सक्सेस, ओके। और इसका भी एंगेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब सबका जो एंगेजमेंट है ओवरऑल 4000 और 5000 के अंदर है, ठीक है। ऑन एवरेज अगर आप लेके चलो तो एवरेज, ऑन एवरेज कितना, 4000। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि रिसर्च कैसे करना है इंस्टाग्राम में, ठीक है। ऑन एवरेज 4000 का लाइक है, और अगर ऑन एवरेज में कमेंट लेके चलो तो वो 100 के आसपास कमेंट है, एवरेज एवरेज कमेंट्स, ओके, 100 के आसपास कमेंट है। तो ऐसे जो पेजेस होते हैं वो आपको चार्ज करते हैं पर आपकी स्पॉन्सरशिप के, नहीं भी तो $25 एंड $50, मैक्सिमम $50, ओके। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि इनका जो फॉलोइंग रेशियो है, ठीक है, सॉरी, जो इनका फॉलोअर्स है, जो इनके फॉलोअर्स है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका 1.3 है और इनका एक है 79 और इनका 260, ठीक है। तो दो अपने पास हाई पेजेस हैं जिनके पास बहुत अच्छा खासा फॉलोअर है, 260 एंड 1.5 मिलियन। हो सकता है ये जो लोग हैं ये भी आपको अच्छा खासा चार्ज करें आपके एक स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है। आपको इनको एक स्पॉन्सरशिप देना है ये चीज क्रिएट करके, ठीक है। एक आपको लैंडिंग पेज भी बनानी है इस चीज के लिए, और आपको ये चीज क्रिएट करनी है, ये चीज आपको क्रिएट करनी है जो अभी आपको दिख रही होगी, ये चीज तो आपको क्रिएट करके इनको देनी है, प्लस एक लैंडिंग पेज भी इनको बना के देना है, ये जो पेजेस है इनको, ओके। सो अब क्या होगा गाइस, आपको जो पेजेस हैं इंस्टाग्राम के इनको बोलना है कि आपकी जो पेजेस है, लैंडिंग पेजेस जो आपने इनको बना के दी है, ऑलरेडी आपने बना के दी है, ओके। इनको नहीं बोलना है कि आप हमारा ऐड डालो, आपको इनको बना के देना है, और आपको बोलना है आप इस ऐड को स्टोरी में फिट करो। अब देखो यहाँ बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है गाइस, जब ये लोग आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी चीज स्टोरी में डालते हैं इन 24 आवर्स, तो ये चार्ज करेंगे आपसे $20 $30, ठीक है, इनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है तो $50, ज्यादा, ठीक है, $100 भी हो सकता है, लेकिन मैं एक लेके चल रहा हूँ $30 $50, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको हर चीज अपनी देनी है, मतलब खुद से बना के देना है, क्योंकि आप बना के दोगे तो क्या बेटर बना के दोगे, ठीक है। तो अब जब आप इनको लैंडिंग पेजेस बना के दोगे और ये अपने स्टोरी में पुट करेंगे, तो आईजी स्टोरी, ओके, आईजी स्टोरी, अब यहां पर आप देखे होगे, ठीक है, कि जितने
आपके फॉलोअर्स होते हैं वो ज्यादातर आपकी स्टोरी में इंटरेस्टेड होते हैं और वो आपकी स्टोरी को देखते हैं, ठीक है। 24 आवर्स के लिए आपने बस रेंट किया है, ओके, नो पोस्ट, नो एनीथिंग, नो वीडियो, नो कुछ भी नहीं, आपने 24 आवर तक के लिए रेंट किया है इनके इस स्टोरी को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पोस्ट डालेंगे वो आपके सॉरी आपका जो लैंडिंग पेज रहेगा वो अपने स्टोरी में डालेंगे फॉर 24 आवर्स। यहाँ पर आपको टाइमिंग भी देखनी है कि आप किस कंट्री में किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, और इनसे कांटेक्ट करने के लिए इनके ईमेल मिलते हैं। आपको एज अ प्रोफेशनल बात करनी है कि मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट है, क्या आप इसको प्रमोट कर दोगे ओनली फॉर 24 आवर्स। क्या बोलना है? ओनली फॉर 24 आवर्स ऑन योर स्टोरी, ओनली ऑन योर स्टोरी। आप क्या चार्जेस लोगे? जो भी चार्जेस लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कर सकते हो, या आप जो भी आप जैसा मतलब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उनको देना चाहते हो कि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। थोड़ा इसमें रिसर्च करना पड़ेगा। अब जब आपको ये चीज जब आप इनको दोगे, ठीक है, ये सारी चीजें बना के, तो जितने भी लोग मतलब मान लो इसमें है आपको 170 के, ओके, ऑन एवरेज, ओके 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 चलो ठीक है, 37 के, 307 के, ओके। तो मैं अगर ऑन एवरेज मान लूँ तो हर बंदा मतलब जितने भी लोगों को जितने भी लोग हैं जो देखने वाले हैं, मान लेते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ इनके 30% लोग देखेंगे, ओके, सिर्फ 30% लोग, मतलब 30 से 40 हजार लोग। कितने? 30 से 40 हजार लोग। तो सबसे बड़ी बात, क्या आपने दिए $50 मान लेते हैं, या $40 मान लेते हैं, 40 या 50 या 30, ठीक है, इतना इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं होगा आपका चार्ज, ठीक है। सो अगर आपने इनको दिए कितने दिए? $50, और आपको कितने लोग देखे? 30 हजार लोग। सब कैलकुलेटर बता रहा हूँ गाइस, एक भी इधर उधर नहीं बता रहा हूँ, 30 हजार लोगों ने आपकी स्टोरी को देखा। अब इसमें से हम रेयर केस लेके चलेंगे, बिल्कुल रेयर, ओके, 10% लोग, ऑनली 10%। तो कितना होगा 10%? 30 हजार का 10% कितना हो? जल्दी निकालो 30 हजार का। तो 30% का जो आपका 10% हुआ वो हुआ, 30 हजार का 10% कितना हुआ? 3 हजार, ठीक है, 3 हजार आपका 10% हुआ, ओके। तो मतलब 3 हजार लोग आपके ऑफर में आएंगे, ठीक है। अगर 10% का भी 10% लेना है, चलो अब मैं रेयर बताता हूँ, बिकॉज लोगों को बिलीव होना चाहिए कि ये सारी चीजें काम करती हैं, तो इसलिए मैं और रेयर आपको बताता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आया। अब इसका भी अगर 10% है तो 300 लोग, ठीक है, 300 लोग मान लो आप सिर्फ $50 में आपकी टारगेट ऑडियंस है वो। क्यों? क्योंकि आपने अपने पेजेस को सिलेक्ट किया है जो आपके नीश पे काम करते हैं, और वो जो लोग हैं वो टारगेट है, 300 लोग। कितने? 300 लोग। अब आपने जो प्रोडक्ट चूज किया है, जो आपको मैंने बोला था जो आपको नीश सिलेक्ट करनी है और वहां से एक प्रोडक्ट निकालना है, तो जो आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, मान लो उस प्रोडक्ट की कीमत $50 है। कितनी है? $50 या $100, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, कितनी है? 50 या 100 डॉलर। अब ये 300 में से अगर 10 लोग भी कन्वर्ट होते हैं तो कितने? 10 लोग भी अगर कन्वर्ट होते हैं तो कितना होता है? लेट्स सी, ओके ओके। सो अगर 10 लोग भी 300 में कन्वर्ट होते हैं तो कितना होता है? इनटू 10, 3, 5, 0, 0, 3500 रुपए, ओके, 35 हजार रुपए। आपने खर्च कितने किए? आपने खर्च खर्च किए सिर्फ $50, एंड बूम, 35 हजार रुपए आपकी अर्निंग। खर्च कितने किए? $50, 3500 रुपए, और 35 हजार की अर्निंग, मतलब 10 गुना प्रॉफिट। ये तो मैंने बताया बहुत रेयर, अगर 30 हजार लोग आपकी चीजें देख रहे हैं तो हो सकता है उसमें से 1000 लोग या उससे भी ज्यादा, या उस 30 हजार में से हो सकता है 10 हजार लोग कभी भी, ठीक है, लेकिन अपन को रेयर लेके चलना। चलो 3 हजार ही मान लेते हैं, अगर 3 हजार मान लो गलती से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, 3 हजार हो जाते हैं, क्योंकि आपका टारगेट नीश है, ठीक है, तो आपका जो चांस है कन्वर्ट करने का वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कितने आपने अर्निंग किए? अब आपको जीरो गिनने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए से ऊपर की आपने अर्निंग की। तो गाइज यहाँ क्या होता है, यहाँ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अगर मान लो आपको 3 हजार लोगों ने ऑप्ट इन किया, आपका जो लैंडिंग पेज था, मान लेते हैं अपना लैंडिंग पेज था, अब इसमें 3 हजार लोगों ने ऑप्ट इन किया है। क्या किया? ऑप्ट इन किया मतलब आपको अपनी डाटा दे दिया, और क्या मैंने बोला था, एक चैट बॉट और दूसरा मेलिंग बॉस, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, चैटबॉट से और उनको मेलिंग बॉट से फॉलो अप देना है। मान लो 3,000 लोगों ने ऑप्शन किया और सिर्फ 3,000 लोगों ने डायरेक्ट खरीद लिया, और अभी आपके पास 2,700 लीड पड़ी है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अब आपको उनको फॉलो अप देना है। 2,700 में से अगर आप फॉलो अप दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसमें से 30% लोग 100% आपके प्रोडक्ट के लिए आगे आएंगे, जो एक रूल है कि 30 से 40% लोग कन्वर्ट होते ही हैं, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा ऑन एवरेज रूल है। अगर 30 से 40% सिर्फ आपके ऑटो रिस्पॉन्डर से होंगे तो 90% चांस रहता है कि चैटबॉट से उतने ज्यादा मैसेजेस ओपन होंगे जितने ज्यादा आपके ईमेल से नहीं होंगे। तो 30 से इतने% तो आपको सिर्फ मेल पे आप फॉलो अप दोगे, और जो बाकी जो बचे रहेंगे वो आप चैटबॉट से भी उनको फॉलो अप दोगे। तो चांस यही है कि 3,000 लोगों में से नहीं भी तो आपके 1,500 लोग आराम से इजिली कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ऑफर में। तो अगर 1,500 लोग भी आपके ऑफर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप कितनी अर्निंग करोगे। बिकॉज आप यही चीज है कि आप कैलकुलेट नहीं करते हो और चीजों को समझ नहीं पाते हो। तो गाइस मैं इसीलिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि आप कैसे चीजों को समझो, ठीक है। कितना आराम से आप 5 लाख रुपीज बनाओगे सिर्फ $50 खर्च करके। हो सकता है ये आपको $100 चार्ज करे, हो सकता है आपको $150 चार्ज करे, लेकिन मैं बता दूं कि जो ये ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा टारगेट रहती है, और प्लस ये इनके पेजेस पे बिलीव करते हैं और फिर वो आपके पास आते हैं। तो अगर ये आपसे $50 और $100 भी चार्ज करते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग ये चार्ज सिर्फ $100 तक ही करते हैं, अभी तक मैंने जो पे किया है सबसे ज्यादा एक बार पे किया था मैंने $200, और अभी जो मैं जिन पेजेस को पे कर रहा हूँ मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा बिकॉज वो पेजेस मेरे हैं। तो मतलब मेरे हैं मतलब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसका वो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप अपने पेजेस फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीश। जो मुझसे ज्यादा चार्ज करते हैं $50, $100 और $150 बहुत कम केसेस में, लेकिन 50 और $100 का मैं जब चाहता हूँ हर वीक मैं एक उनके पास प्रमोशन कराता हूँ, और उसमें से काफी अच्छी लीड्स आ जाते हैं और मैं फॉलो अप देते रहता हूँ। और उसके बाद भी जो मेरे पास लीड्स बचे रहते हैं उनको मैं बाद में किसी और प्रोडक्ट से भी फॉलो अप देता हूँ। तो एक बार खर्चा है और उसके बाद बार 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 उसका ROI रिटर्न है। तो ये कितना इजी पाथ है जो मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया है कि आप कितना कितना आराम से इससे अर्निंग कर सकते हैं अगर आप $100 और फिर $100 खर्च करें। इसमें जो सबसे बड़ा मेन गेम है वो यही है कि रिसर्च करना कि कौन से पेजेस काफी अच्छे हैं और कौन से पेजेस हैं जिसमें एंगेजमेंट अच्छा है, और कौन से पेजेस आपके टारगेटेड हैं जिनसे आपको अच्छा खासा लीड मिल सकता है। तो ये बस एक बैकएंड का काम है, और आपको एक फनल तैयार करना है जो आप तैयार कर सकते हो बिल्डर से। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ बिल्डर इज द बेस्ट टूल टू फॉर एफिलिएट मार्केटिंग और फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और हो सकता है तो आप बिल्डर को भी सेल कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इसमें क्लिक बैंक के प्रोडक्ट और वॉरियर प्लस के प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट काफी सेल करना, क्योंकि ये जो इनके जो रिजल्ट है वो अच्छे हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि मैंने रिसेंटली क्लिक बैंक स्टार्ट किया है, और क्लिक बैंक मैंने जो स्टार्ट किया है वो सिर्फ मैंने अभी स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे, और उसके रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। सो इसलिए मैंने मुझे लगा कि आपको ये चीज सजेस्ट करनी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कुछ भी सेल करना चाहे, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो खुद के प्रोडक्ट हो। तो ये वीडियो उनको बहुत ज्यादा काम करेगी। बस प्रोडक्ट को चेंज करना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, और 100% जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया ये काम करता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक्शन टेकर बनो, ओवर थिंकिंग मत करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद।